अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स एंड वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। अज जो असो लेक्चर होंगे अस प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया उन बारे में कुछ आंसर क्वेश्चन के हिसाब से अस डिस्कस कहे टाइप जो आंसर अची क्वेश्चन अची तो उन जवाब दींदा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाजमी आंसर ही एक सेट आ को भी सेट आ फर्स्ट सपोज ए सेट आ बराबर आए ए बी सी डी त ए बी सी डी आर कॉल्ड डैश ऑफ सेट ए। तो सेट ए जा ए बी सी असा हों तो जन हिसाब से क्वेश्चन तो अचे तो असो जवाब दींदा। तो असा चवंदा ए बी सी डी जो आंदा सेट के अंदर जो एलिमें ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व थियन तो उन चवंदा मेंबर्स आर एलिमेंट्स। तो ये हों मेंबर्स या एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ए एक सेट आ कड़े से डिनोट कस कैपिटल से ठीक है। यह शे थी जैसे चवे तो हाउ मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जैसे आंसर हो चे क्वेश्चन तो हाउ मैनी नंबर ऑफ इन सेट ए तो तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट जो मतलब हों सेट के अंदर केतरा असाजा ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व ऑब्जेक्ट घना या एलिमेंट केतरा तो एक बे चार तो अस देयर आर फोर फोर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। यो तो असो यो थी असो ए सेट के हिसाब से रिटिन के हिसाब मैथमेटिकली हिसाब से चवे तो नंबर ऑफ एलिमेंट या ऑब्जेक्ट ऑफ एलिमेंट कैसा छो कन एन ऑफ ए आर ओ ऑफ ए जो ऑफ ए या एन ऑफ ए कंखे छो कह नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कें सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट घना तो कैसा डिनोट कह एन ऑफ ए लिखो या ओ ऑफ ए। तो जैसे एन ऑफ ए तो क्या तो भी सही आ जैसे ओ ऑफ ए तो लिखा तो भी सही आ तो एन ऑफ ए बराबर थी फोर के तो यो कंखे छो कह नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट तो टोटल तादाद एलिमेंट जो मेंबर जो सेट के अंदर केतरा इन हिसाब से भी असो एग्जाम्पल अची सन प्रॉब्लम अची सन अस क्वेश्चन अची सन या बो बी जो टॉपिक होंगी असि कड़ी बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू या बिलोंग्स टू के हिसाब से अस कई सारा प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व हूँ तो जैसे चाहे तो बिलोंग्स टू मतलब हों सेट से ताल्लुक रखे उनकी सैम्बुल कड़ी होंगी विच में सैम्बुल लिखा जैसे लिखूँ न तो सैम्बुल कड़ी लिखा ई डई विच में ई के हिसाब से सैम्बुल होंगी डज नॉट बिलोंग्स टू जो सैम्बुल होंगी होंगी ई डई उन मथा लाइन दई छींदा तो यह सैम्बुल छो की तो डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब बिलोंग्स टू मतलब सेट के अंदर वो एलिमेंट मौजूद आ डज नॉट बिलोंग्स जो मतलब सेट के अंदर वो एलिमेंट मौजूद ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुख्य ए सेट दिए तो ए बी सी डी ये सेट है तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू आर डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट तो कड़ा एलिमेंट ए सेट में मौजूद आन कड़ा एलिमेंट ए सेट के अंदर मौजूद है तो जैसे चवन ए बी सी एक्स वाई जेड डब्ल्यू यू टी ये कुछ एलिमेंट दिना अथई ऑब्जेक्ट दिना अथई तो बुधायो तो विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब इफ़ ए सेट इज गिवन जैसे ए सेट असे तो ए बी सी डी चवे तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स
आर बिलोंग्स टू आर नॉट या डज नॉट लिखो, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। हाँ मुझे कुछ ऑब्जेक्ट दे दो, केड़ा केड़ा ऑब्जेक्ट देना थे, ए बी सी डी सी एक्स वाई जेड डब्ल्यू यू टी। हाँ जैसे मुझे चलो कड़ो एलिमेंट सेट से मौजूद है, कड़ो एलिमेंट सेट मौजूद है, तो इनके कड़ो लिख ए लिखी। हाँ इतने के लिखा सैम्पल डींदा बिलोंग्स आ या डज नॉट बिलोंग्स, उन लिख सेट ए, छो सेट ए से मौजूद तो करें ना। तो हाँ ऐसो ए ए सेट में मौजूद है एलिमेंट ए मौजूद है, तो इतने सैम्पल अची वी असि बिलोंग्स मुझी, तो ए बिलोंग्स टू ए सेट। भाई इन हिसाब से बी से अचो, ऐसो तो बी इन में मौजूद है, तो बी बिलोंग्स टू ए सेट। उन अलावा सी के ऐसो तो सी इन सेट में मौजूद है, हाँ मौजूद है, तो सैम्पल अची वी सी बिलोंग्स टू ए सेट। वही इन हिसाब से एक्स वाई जेड डब्ल्यू यू टी। हाँ ये जो एलिमेंट ऑब्जेक्ट ये मौजूद हैं, ऐसो एक्स वाई जेड डब्ल्यू यू टी को न, तो इतने सैम्पल कड़ी लिखबी, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट, छो मौजूद तो कोने ना, डज नॉट बिलोंग्स आ, तो मतलब सैम्पल कड़ी लिखा विच में ये लिखा, तो वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट, जेड डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट, डब्ल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट, एंड यू डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट, इन हिसाब से टी डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट। तो इन असो इन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स असके इं भी प्रॉब्लम असो तो बुधा तो कड़ो एलिमेंट कड़े सेट से मौजूद है, कड़ो एलिमेंट कड़े सेट से मौजूद ना है। वो एलिमेंट या मेंबर जेके भी दे उन से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हुन में असा दसंदा तो कड़ो मौजूद है या ना मौजूद, तो सैम्पल विच में दई छींदा, तो इन हिसाब से भी असो क्वेश्चन अची था सकन। उन डेफिनेशन के हिसाब से अचूँ तो डेफिनेशन कड़ी कड़ी अस क्वेश्चन में अची सकन थी, जो डेफिनेशन अस पढ़ीस जो सेट आ सेट आ सेट की डेफिनेशन अची थी सके, तो सेट चाहबो शाखे हों सेट, तो सेट की डेफिनेशन अस ऑलरेडी पढ़ी से कड़ी शे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब डेफिनेशन हों सेट की वेल डिफाइंड भी हुए कलेक्शन भी हुए कें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो, तो वो असो सेट थी। उन अलावा बी डेफिनेशन इन में जी आई असानी वेल डिफाइंड की, वेल डिफाइन के हिसाब से वेल डिफाइन मतलब को ऑब्जेक्ट असके वाजे तौर पर बुधाए तो वो सेट भी मौजूद है ना, जी ए बी सी इंग्लिश अल्फाबेट लेटर इन ना, तो इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर टोटल हूँ 26 ए का वी वे जे तई, पर इन में जो मौजूद जस्ट ए बी सी डी आ मतलब ए बी सी इन सेट के अंदर मौजूद हैं, बाकी बे जो एलिमेंट हैं वे इन सेट में मौजूद ना, तेजे यो असो वेल डिफाइन। वेल डिफाइन जो मतलब हों एन ऑब्जेक्ट विच शोज डैट इट इज प्रेजेंट इन अ सेट आर नॉट, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो बुधाए तो वो सेट के अंदर मौजूद आ या ना मौजूद, वो थो वेल डिफाइन। ठीक है तो उन एग्जाम्पल दई छा, जी मूट ए सेट आ बराबर आ 1 2 3 4 5। हाँ ऐसो 1 2 3 4 5 असा नेचुरल नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर्स तो 1 का वी वे अप टू 1 कई सारा नेचुरल नंबर हूँ, पर इतने जो दे तो जस्ट मुझे फर्स्ट 5 तो दे, छो पैं शुरुआती फर्स्ट वारा 5 1 2 3 4 5 फर्स्ट वारा नेचुरल नंबर हैं, तो फर्स्ट वारा 5 नेचुरल नंबर बकाए जो इन में सेट में मौजूद ना, तो मतलब 1 2 3 4 5 जो एलिमेंट हैं नेचुरल नंबर जो ही सिर्फ इन में मौजूद, बाकी बे जो नेचुरल नंबर हैं वे असाजा इन सेट में मौजूद ना, यह थी वी वेल डिफाइन। ठीक है तो उन असो इतने बो टर्म अची तो वे डिस्टिंक्ट,
उनका पो असा जो कहो शे तो अची वे डिस्टिंग डिस्टिंग जो मतलब चवे शूँ असन मुख्तलिफ़ हुजन मुख्तलिफ़ कि अलग अलग हुजन एक जड़ी न हुजन तो असा चाह डिफरेंट हुजन डिस्टिंग माना डिफरेंट जे असन अलग अलग हुजन तो अस इन डेफिनेशन असाई द ऑब्जेक्ट्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड अदर्स उहे ऑब्जेक्ट जेके हिक ॿिए खां छा हुजनि मुख़्तलिफ़ हुजनि त उहे छा थींदा असांजा डिस्टिंग थींदा हिक ॿिए खां मुख़्तलिफ़ कीअं हाणे जीअं हिते ए सेट मां लिखियो 1, 2, 3 हाणे ॾिसो को अहिड़ो एलिमेंट जेको रिपीट थिए छा 2 हिते ॿियो चाहे अचे थो नथो अचे त मतिलबु छा हिक ॿिए खां मुख़्तलिफ़ हूंदा साॻी शइ असांजी सेट जे अंदरि जेका बि हूंदी उहा रिपीट न थींदी जेकॾहिं साॻी शइ सेम शइ सेट जे अंदरि रिपीट थींदी त उहो असांजो सेट न हूंदो कंहिं बि नंबर खे कंहिं बि ऑब्जेक्ट खे 2 times असां सेट जे अंदरि इनक्लूड न कंदा ओनली 1 time इट विल बी इनक्लूड जीअं हिते ॾियां थो मां ए खां वठी वेंदे ए बी सी डी ई एफ हाणे ॾिसो हे जेके असां वटि छा आहिनि ऑब्जेक्ट छा को अहिड़ो ऑब्जेक्ट जेको हिन में रिपीट थिए थो साॻियो आहे न आहे त इहे छा थींदा हीअ सभु ऑब्जेक्ट छा थींदा डिस्टिंग थींदा छो डिस्टिंग थींदा छो जो हिक ॿिए खां छा आहिनि मुख़्तलिफ़ आहिनि अलॻि अलॻि आहिनि जेकॾहिं मां बी सेट लिखां 1, 2, 1, 3 हाणे 1, 2, 1, 3 लिखां त हाणे ॾिसो इहे रिपीट थो थिए न 1 जेको आहे साॻियो आहे सेम आहे त इहो छा थींदो नॉट सेट छो नॉट सेट आहे छो जो इन जे सेट जे अंदरि रिपीटेशन अलो न हूंदी आहे मतिलबु छा इन सेट इज़ नॉट अलो रिपीटेशन असांजी छा अलो न हूंदी आहे का बि शइ असांजी 2 times के सेट जे अंदरि 2 times के सेट जे अंदरि इनक्लूड न कंदा आहियूं इहो थी वियो असां छा डिस्टिंग जे हिसाब सां को असां वटि डेफिनेशन बि अची सघे उन खां पोइ असां वटि जेकॾहिं चवे त एलिमेंट ऐं मेंबर जी डेफिनेशन लिखो एलिमेंट आर मेंबर एलिमेंट आर मेंबर छा हूंदो आहे ॻाल्हि साॻी हूंदी आहे ठीकु आहे त हुनजो नालो छा हूंदो आहे एलिमेंट बि चई था सघूं या मेंबर बि चई था सघूं चए भई छा थो एलिमेंट या मेंबर जी डेफिनेशन लिखो त पोइ एलिमेंट या मेंबर जी डेफिनेशन कीअं लिखंदासीं द ऑब्जेक्ट्स विच आर प्रेज़ेंट इन सेट आर कॉल्ड एलिमेंट आर मेंबर उहे ऑब्जेक्ट जेके असांजे सेट जे अंदरि मौजूदु थी वञनि उहे छा थींदा असांजा एलिमेंट या मेंबर जीअं ए सेट आहे असांजो बराबरि आहे ए बी सी डी ई हाणे ए बी सी डी ई जेके आहिनि हीअ जेके आहिनि असां छा ऑब्जेक्ट आहिनि इन्हनि ऑब्जेक्टनि जो नालो छा ॾिबो इन्हनि ऑब्जेक्ट जो नेम छा हूंदो नेम ऑफ ऑब्जेक्ट छा हूंदो इज़ एलिमेंट चवंदासीं या वरी मेंबर बि चई था सघूं एलिमेंट या मेंबर बि चई था सघूं कंहिं हिक खे अगरि सभिनी जे बारे में पुछे त पोइ हिते छा चवंदासीं एलिमेंट्स आर मेंबर अगरि सिंगल आहे त सिंगल में छा लिखंदासीं एलिमेंट आर मेंबर अगरि सिंगल खां वधीक आहिनि त पोइ छा लिखंदासीं एलिमेंट्स आर मेंबर त इहो हुयो अॼु जो असांजो लेक्चर जेकॾहिं असां जेको प्रीवियस लेक्चर जे अंदरि A1A बि कई त उन सां टॉपिक जेके हुई उहे स्टडी कयूं जेकॾहिं उन्हनि में को असां वटि क्वेश्चन थो अची वञे त कहिड़े तरीक़े सां अची थो सघे त उनजो एंसर असां छा ॾींदासीं उहो अॼु असां डिफाइन कयो जेकॾहिं इन्हनि जे बारे में जेकॾहिं तव्हांखे का डिफिकल्टी हुजे त कमेंट बॉक्स में कमेंट कजो त नेक्स्ट डेट जे अंदरि असीं उन्हनि जो एंसर ॾींदासीं त इनशाला नेक्स्ट लेक्चर जे अंदरि असीं
इनके वधीक डिफाइन कंदासीं।